नमस्कार, मैं पूर्णिमा इजी पे के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आपको हम बताएंगे कि इजी पे के पोर्टल से आप सेल्फ सपोर्ट कैसे ले सकते हैं और किसी भी कंप्लेन के लिए टिकट कंप्लेन कैसे रेज करते हैं। तो चलिए चलते हैं सर के पास और जानते हैं इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको अपना इजी पे एप्लीकेशन खोलना है। एप्लीकेशन खोलने के बाद वहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप अपने होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। होम स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर आपको थ्री लाइंस दिखेंगे जिसको मेन्यू बोलते हैं। आप उस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का पैनल दिखेगा जिसमें आपको होम, प्रोफाइल और सारी चीज़ें लिखी नजर आएंगी। तो नीचे आप देख पा रहे हैं रिपोर्ट का सेक्शन है, आपको इस रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है। रिपोर्ट्स पे क्लिक करते ही आप रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ पे आपकी सारी हिस्ट्री और रिपोर्ट्स है, जैसे कि आपने वॉलेट हिस्ट्री क्या है, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री क्या है, UPI पे की हिस्ट्री क्या है, आपकी फ्लाइट रिपोर्ट्स क्या है, आपकी NSDL की AAPS हिस्ट्री क्या है, बाकी आपकी सारी हिस्ट्री आपको यहाँ दिखेंगी। आपको सबसे पहले क्या काम करना है, इन हिस्ट्रीज में आना है और जिस पे भी आपको प्रॉब्लम आई है उस पे जाके क्लिक करना है। जैसे हमें यहाँ ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में क्लिक आई, हमने ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे क्लिक करा, तो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में हमने क्लिक करने के बाद हमारा ये पैनल खुल गया, हमारी लास्ट हिस्ट्री क्या क्या थी। तो आप देख पा रहे हैं हमने लास्ट रिचार्ज किया है और हर रिचार्ज के बाद में, हर ट्रांजेक्शन के बाद में आपको डिस्प्यूट का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर तीन है, तीनों में से आप जिस पे भी आप क्लिक करेंगे डिस्प्यूट के, उसको ऑटोमेटिकली ट्रांजेक्शन आईडी उठा लेगा। ऊपर कैटेगरी का ऑप्शन दिख रहा है, ट्रांजेक्शन आईडी का ऑप्शन दिख रहा है और ट्रांजेक्शन इन्फो टैब दिख रही है। तो सबसे पहले आपको अपनी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। ट्रांजेक्शन इन्फो में क्या आपकी प्रॉब्लम थी, ट्रांजेक्शन सबसे पहले ट्रांजेक्शन कैटेगरी सिलेक्ट करें कि आपका बेनिफिट नॉट रिसीव्ड ऑन ट्रांजेक्शन है, कि आपको बेनिफिट्स नहीं मिले। फिर शोइंग सक्सेस बट नॉट क्रेडिट इन अ वॉलेट दिखा रहा है, पेंडिंग ऑन अ इनिशियल ट्रांजेक्शन दिखा रहा है या फिर कोई अदर प्रॉब्लम है, आपको ये सिलेक्ट करना है कैटेगरी को। आपको रिमार्क्स डालना है, जैसे ट्रांजेक्शन नॉट शोन सक्सेस डाल दिया हमने और सबमिट करेंगे। ऊपर कैटेगरी सिलेक्ट नहीं हुई है, दोबारा से जाकर हमने कैटेगरी सिलेक्ट करी, कैटेगरी आप सबमिट प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करते के साथ ही हमारा कंप्लेंट टिकट ट्राइज हो चुका है। अब ये कंप्लेंट टिकट हमारे इजी पे के कस्टमर सपोर्ट को मिल चुकी है, जो आपको 24 से 48 घंटे के अंदर आपका रिप्लाई दे देंगे। तो देखा आपने कितना इजी प्रोसेस है कंप्लेंट टिकट रेज करने का। मत पड़िए कॉल की झंझट में और कंप्लेंट रेज कीजिए टिकट के द्वारा। इसमें हमारी टीम आपको बाय मेल और बाय कॉल आपकी कंप्लेंट का सोल्यूशन 24 से 48 घंटे के अंदर प्रोवाइड कर देगी। धन्यवाद।